जंगल में शिकारी और शिकार के बीच जंग हर समय चालू रहती है। जंगल में छोटे से छोटा जीव भी बड़े जानवर का शिकार करने का माहिर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बाघ और विलुप्त हो चुकी भेड़ियों की सबसे बड़ी प्रजाति डायर वुल्फ की जानकारी को जानने वाले हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन दो जानवरों की लड़ाई में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बाघ एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली की प्रजातियों में सबसे बड़ी और भारी बिल्ली मानी जाती है। जंगल का ये खूंखार शिकारी बड़े बड़े शिकार करने में माहिर होता है। हालांकि यह मुख्य भोजन के रूप में जंगली सुअर, हिरण, बारहसिंगा और भालुओं का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी यह हाथी, जिराफ जैसे विशाल जानवर का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। इनके शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है। ये अक्सर घात लगाकर ही हमला करते हैं। हमला करते वक्त पंजे को पीछे की ओर कर लेते हैं ताकि ये अपने शिकार तक बिना आवाज किए पहुंच सके। एक व्यस्क बाघ का वजन 180 से 200 किलोग्राम तक का होता है। एक व्यस्क बाघ का पंजा मनुष्य के हाथों से लगभग दुगना बड़ा होता है। बाघों का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है। इनके 4 इंच लंबे नाखून किसी को भी दबोच सकते हैं। इनकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इनके कैनाइन दांत 4 इंच लंबे होते हैं। बिल्लियों के प्रजाति में लायन, चीता, तेंदुआ से भी बड़े इनके कैनाइन दांत होते हैं। ये अपने कैनाइन दांतों की सहायता से किसी भी शिकार के गले पर वार करते हैं और फिर ये उन्हें मौत की सैर करा देते हैं। एक बाघ 8 मीटर तक की लंबी छलांग लगा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें डायर वुल्फ की, तो इनका आकार आजकल के भेड़ियों से कई गुना ज्यादा बड़ा होता था और यह एक मांसाहारी जीव था। डायर वुल्फ 10,000 साल पहले प्लाइस्टोसेन इपोच के टाइम पर नॉर्थ अमेरिका के जमीन पर पाए जाते थे। डायर वुल्फ काफी बड़ा जानवर होता था। डायर शब्द का मतलब भयानक होता है। इनका वजन 90 किलोग्राम और ऊंचाई 5 फीट तक का हो सकता था, जबकि इनके साथी ग्रे वुल्फ का मैक्सिमम वजन 30-80 किलोग्राम तक का ही होता है। इस भयानक जानवर के शक्तिशाली जबड़े और दांत मांस की चीड़फाड़ करने में ज्यादा सहायता पूर्ण होते थे। ये भेड़िये मरे हुए जानवर को खाते थे। एक ही जगह पर मिले इनके फॉसिल यह दर्शाते हैं कि यह समूह में हमला किया करते थे। डायर वुल्फ के दिमाग का साइज ग्रे वुल्फ से छोटा होता था और यह भी इनके विलुप्ति का कारण हो सकता है। डायर वुल्फ के पैर आज के ग्रे वुल्फ के पैरों से छोटे होते थे और जाहिर सी बात है ये उतने अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाते थे। और अब आखिर में हम ये जानते हैं कि एक बाघ और डायर वुल्फ की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। एक बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi तक का होता है। वही दूसरी तरफ एक डायर वुल्फ का बाइट फोर्स 1200 psi तक का होता है, जिस कारण इस लड़ाई में भेड़ियों की ही जीत होगी, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तिशाली जबड़े, अधिक सहनशीलता और डायर वुल्फ आधुनिक भेड़ियों की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते थे। आज की इस वीडियो में हमने आपको चिंपांजी और एक एमएमए फाइटर की लड़ाई के बारे में बताया है।
यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डाल सकें।